Macho, macho, rey, macho, 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 rey, macho. लगता है फिर से कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। क्या मतलब? जब ग्रेट फिमांचो इधर से उधर घूमते हैं ना, तो इस गुस्से में जरूर कोई ना कोई मुसीबत ही तो आती है। Shut up. Linda. ग्रेट फिमांचो, हमारे सारे सेनापतियों को इकट्ठा करो और उनकी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। उनसे कहना हमने उन्हें याद किया है। जो हुक्म ग्रेट फिमांचो। ओ शैतानी आत्माओं मेरी मदद करो। और गौरव क्या कर रहे हो? इतना नहीं पूछो, मैं घर का काम कर रहा हूँ। यार गौरव, तूने कबीले वालों की मदद करके उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कैसा एहसान बुझो? इंसानियत अमानता की सेवा करने के लिए ही तो मुझे शक्तियाँ मिली है। बिल्कुल अपने माँ बाप पर गया है तू। तुझे कैसे पता? मैंने चाचा चाची को कई बार बात करते हुए सुना है। चाचा अक्सर कहा करते हैं तेरे पिताजी मनुष्य जाति की सेवा करते थे, दान पुण्य करते थे। सुना तो मैंने भी बुझो कि मेरे बाबा बहुत नेक इंसान थे। तुझे तो उनकी बहुत याद आती होगी ना? बहुत आती है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छे इंसानों की जरूरत तो भगवान को भी होती है, इसलिए शायद उन्होंने मेरे माँ और पापा को अपने पास बुला लिया। गौरव, लो आ गया तेरा गप्पी मोटू दोस्त। गौरव, तू झेल से, मैं तो चला। गौरव, गौरव। अरे मोंटी, तू कैसे बच गया? उन आदिवासियों ने तो। अरे जब तक मेरा यार, मेरा दोस्त जूनियर जी जिंदा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जूनियर जी ने तुझे बचाया? और नहीं तो क्या, तूने तो मुझे मरवा ही दिया था। पता है जो वो लोग मुझे तंदूर पर चढ़ाने लगे। बताया जूनियर जी ने मुझे। जूनियर जी अपने आप आ गया? अरे नहीं नहीं, मैंने बोला से मैंने। पर एक बात बता, तू कैसे बचा? मैं, मुझे भी उसी ने बचाया, जूनियर जी ने। वाह, जूनियर जी इज ग्रेट यार। Hey, Fimachu. Great Fimachu. Shaitanon ko shaitan, Fimachu. Mahabali, tino logon par apni hukumat karne ki taakat rakhne ki koshish karne wala Fimachu. Fimachu, Fimachu, Fimachu. Jiske purvajon ne hamesha raj kiya hai. हमेशा राज किया है, जिसको मिलने के लिए हवाओं को इंतजार करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। और ये मेरी फौज, मेरी फौज, ये बोबो जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी को भी जानवर बना सकता है। और ये कैप्टन किनर, जिसमें नौ नौ हाथियों की ताकत है, नौ नौ हाथियों की, चाहे तो ये हवा का रुख बदल दे। कैप्टन किलर। और ये मैग्नेटो, ये ज्वाला लिंडा, इन सब के रहते हुए, इन सब के रहते हुए मैं फिर भी अकेला हूं। और छोटा सा बच्चा जो बार बार हमें मात देकर चला जाता है, धिक्कार है। डूब मरना चाहिए तुम सबको, डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए, डूब बनना चाहिए। पर ग्रेट फिमांचो। शट अप लिंडा, शट अप। एक शब्द भी कहा तो जुबान खींच लूंगा। उस छोटे से बच्चे ने हमारी मिजाइल की फैक्ट्री को तबाह कर दिया,
हमारी नकली दवाइयां बनाने की फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया, राजकुमारी अल्फा को मार दिया। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन वो छोटा सा बच्चा हमें भी मारकर चला जाएगा तुम सबके सामने और देखते रह जाओगे। अरे हमने क्या मांगा था? एक ग्रहणों का टुकड़ा, उसे हासिल करने के लिए हमने तुम सबको कहा था, लेकिन नहीं, हमारे पास चार चार टुकड़े हैं। पांचवा मिल जाता तो हम तीनों लोगों पर हुकूमत करते, तीनों लोगों पर। नहीं, तुम सब बेकार हो, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, किसी को कुछ कोई मौका नहीं मिलेगा। अब जो भी करेगा बोनापार्ट करेगा। हाँ, बोनापार्ट है वो 2.5 फुट का, लेकिन है तुम्हारा बाप लिंडा। यस ग्रेट फ्रीमांचो। अब हम मोजून चैम्बर जा रहे हैं, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। चिंकारा, चिंकारा। दुनिया में आपका स्वागत है ग्रेट फ्यूमांचो। ग्रेट फ्यूमांचो, ये आपका पाप क्रमांक 56,000 होगा। मंजिल भी बहुत दूर है। काल का ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए कुल 1,00,000 पाप करने होंगे। 1,00,000। क्रीम क्रोम क्रीम, 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 क्रीम क्रोम क्रीम। शैतानों की दुनिया में स्वागत है बोनापार्ट। आपने मुझे याद किया, मैं बहुत खुश हुआ ग्रेट फ्रीमांचो। मेरा तो बैड लक ही खराब, कैसे आदमी से पाला पड़ा। अरे अब तो घर आ गया शांति भाई, अब तो बस करो। व्हाट बस? घटिया सी ट्रेन में बिठा दिया, किसी सुपरफास्ट में नहीं बिठा सकते थे? उसका रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था भाई, कितनी बार तो समझाया तुम्हें। बस तुम्हें ही नहीं मिलता, बाकी पूरी दुनिया को मिल जाता है, लापरवाह कहीं के। गौरव, गौरव जिंदा है या डेड हो गया? बस 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 बेटे। आप लोग आ गए तो तूने क्या सोचा था, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा और हम सब लोग मर जाएंगे? अब खड़ा खड़ा घूर के रहा है, जा के सामान निकाल। हे भगवान, कहां से पल्ले पड़ गया मेरे ये लड़का। ओ भगवान के लिए शांत हो जाओ शांति, तुम्हारी इस कहां गायब के मारे मेरा सर फटा जा रहा है।
काय काय मैं करती हूँ। ओह माय गॉड, एक तो मेरी हालत खराब हो गई उस खचरा ट्रेन में बैठ के। कैसे चल रही थी? ढिचकियों परेशान हो गई मैं उसमें बैठ के, बजाय इसके कि सॉरी बोलो उल्टा मुझे कह रहे मैं काय काय करती हूँ। हे भगवान, इससे अच्छा था मैं बना ली। कम्बख्त तोड़ दिया, इतना महंगा था। तुम्हें मालूम है पूरे 5,000 का लाई थी, 5,000 का। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसको कुछ कहते क्यों नहीं? उसको डांटो, मारो, जो मर्जी करो, उठो ना। और क्या है गौरव, देखता नहीं है तू? एक काम भी ठीक से नहीं होता तुझसे, अंधा कहीं का तोड़ के रख दिया इतना महंगा, किसी काम में मन नहीं लगता है तेरा। इज्जत कहीं का, जा यहां से। हे भगवान, इतना महंगा मैं लेके आई थी, पूरे 5,000 का। मेरी फाइन साड़ी आती थी उसमें फाइन साड़ी, कंबख्त ने तोड़ कर रख दिया। मेरा तो बैड लक ही खराब है। अरे चुप रहो, एक काम भी ठीक नहीं होता तुझसे, अंधा कहीं का, कहीं का, किसी काम में मन नहीं लगता तेरा, तेरा इडियट कहीं का, कहीं का। ये जीवन है एक चुनौती, मत घबरा मेरे यार, कांटो भरी कभी है राहें, कभी फूलों का हार। जग में जिनका नाम हुआ सब, चले इन्हीं राहों पर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। क्या हुआ गौरव, रो क्यों रहे हो? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। मुझसे छुपा रहे हो, तुम्हारी आंखों में वैसे ही आंसू नहीं आते, बताओ ना तुम्हें मेरी कसम। बुझो, आज मुझे सचमुच लग रहा है कि मेरा इस घर में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अरे अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है बुझो, आज चाचा जी ने भी मुझे डांट दिया। चाची के डांट का, राहुल भैया की हरकतों का मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं समझता था कि चाचा जी मेरे साथ थे, लेकिन आज उन्होंने भी उनके डांट ने मेरा दिल तोड़ दिया। गौरव, छोटी छोटी बातें दिल पे नहीं लेते यार। यही सोचकर तो मैंने इतने दिन काटे, आज अगर मेरे मां बाबा जिंदा होते तो आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। बाबा, 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 बाबा। लगता है किसी ने जूनियर जी का दिल दुखा दिया है, इसीलिए वो अपने बाबा को याद कर रहा है। जूनियर जी को इस समय इमोशनल सपोर्ट की सख्त जरूरत है। जूनियर जी को इस समय मेरे पास होना चाहिए, हाँ मेरे पास होना चाहिए। उस जूनियर जी ने हमारी नींद हराम कर रखी है, उसी की वजह से ग्रेट फिमांचो की नजर में हमारी मट्टी प्लीत हो गई है। सच कह रहे हो भाई, लेकिन ग्रेट फिमांचो को हम पर भरोसा करना चाहिए। कितने दिन, कितनी बार ग्रेट फिमांचो ने तुम लोगों को मौके दिए, लेकिन हर बार तुम लोग फेल होते गए। और कितनी बार जूनियर जी के सामने ग्रेट फिमांचो को मात खानी पड़ेगी। पर मैडम लिंडा, हमने अपनी कोशिशों में तो कोई कमी नहीं की थी। कोशिश माय फुट। इस बात की क्या गारंटी है कि ग्रेट फिमांचो जो शक्ति पैदा करेंगे वो कामयाब होगी? अरे भाई, वो भी तो फेल हो सकती है। हाँ, भी फेल हो सकती है। खामोश। ग्रेट फिमांचो जो इस बार शक्ति पैदा करने वाले हैं, वो शक्ति कभी भी फेल नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कहा लंडा।
बिल्कुल ठीक कहा। इस बार हमने ऐसी शक्ति को पैदा किया है, ऐसी शक्ति को रचा है जो कभी फेल नहीं होगी। लेकिन लेकिन वो शक्ति है कहां? देखना चाहते हो? बोनापार्ट। ये करेगा जूनियर जी का मुकाबला? जूनियर जी इसे चीटी की तरह मसल के रख देगा। जूनियर जी से निपटना बच्चों के बस की बात नहीं है। अरे हमारे जैसे योद्धा और शक्तिशाली इसका मुकाबला नहीं कर सके तो ये क्या 2.5 फुट का बोना उससे मुकाबला करेगा? क्या हाथ मुकाबला करेगा? ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। बच्चों में कहीं जूनियर जी छिपा है जिसे मारकर मुझे ग्रहणों का टुकड़ा हासिल करना है। यस 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 यस। बच्चों में कोई जूनियर जी नहीं है। अंकल अंकल मुझे बैलून नहीं मिला। तो तुझे बैलून चाहिए? ये लो लो लो। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, मीठा मीठा आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। अंकल अंकल मुझे ऑरेंज कैंडी चाहिए, अंकल मुझे ऑरेंज कैंडी चाहिए, वाह, अंकल मुझे ऑरेंज कैंडी चाहिए, अंकल देता हूँ, जल्दी दो ना अंकल। देता हूँ बच्चे, देता हूँ, तुझे तो मैं आइसक्रीम जरूर दूंगा, ये लो, खाओ, खाओ, सबको दूंगा मैं, खाओ, एक एक आइसक्रीम।
नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, एक एक को मार डालूंगा, एक एक को मार डालूंगा मैं। बाल ले लो बुढ़िया के, बाल ले लो, मीठे मीठे बाल खाओ बच्चों, मीठे मीठे बुढ़िया के बाल, बुढ़िया के बाल ले लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर जगह तलाश किया लेकिन ये जूनियर जी मिला नहीं, आखिर ये जूनियर जी गया कहां? क्या बात है मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में आंसू? प्रोफेसर बर्नांडो, आज मुझे अपने बाबा की याद आ रही है, आज अगर वो जिंदा होते तो किसी की हिम्मत पड़ती मुझे डांटने की? लेकिन बेटा अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। मैं जानता हूँ प्रोफेसर बर्नांडो, लेकिन क्या मैं उनकी पवित्र आत्मा से मिल सकता हूँ? गौरव, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं जानता हूँ प्रोफेसर बर्नांडो, आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं, मना मत कीजिए वरना मेरा दिल और दुखेगा, प्लीज प्रोफेसर बर्नांडो, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूं, आओ मेरे साथ। बैठो वर। गौरव अपनी आंखें बंद करो, और ये आंखें उस वक्त तक नहीं खोलना जब तक तुम्हें अपने बाबा की आवाज न सुनाई दे। याद रहे, अगर तुमने बाबा की आवाज सुनने से पहले ये आंखें खोल ली तो तुम अपने बाबा से कभी नहीं मिल सकोगे। चलो बेटा बंद करो। प्रणम में शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तवासम स्मरण नित्यम आयु कामार। गौरव के बाबा की पुण्य आत्मा प्रकट हो, पुण्य आत्मा प्रकट हो, पुण्य आत्मा प्रकट हो। गौरव, गौरव बाबा। बेटा गौरव, तुम मुझे छू नहीं सकते बेटा, सिर्फ मेरी आवाज सुन सकते हो, मुझे महसूस कर सकते हो,
बाबा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। जब मेरे सामने मेरे दोस्तों के मम्मी डैडी उन्हें प्यार करते हैं, तब मेरे दिल पर क्या गुजरती है आप जानते हैं? मैं जानता हूं मेरे बच्चे, पर जीवन और मृत्यु तो विधाता के हाथ में है। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता था, पर उस दुष्ट विमांचो ने। जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और आप लोगों की मौत का बदला जरूर लूंगा। और सुनो गौरव, अपने चाचा की बातों का बुरा मत माना करो। मैं जानता हूं वो तुमसे जितना प्यार करते हैं उतना तो मैं भी नहीं कर सकता था। कभी कभी गुस्से और बौखलाहट में आकर उसने अगर तुमसे कुछ कह दिया हो तो क्या हुआ? उसकी बातों को दिल पर मत लिया करो। अब एक बार अच्छे बच्चों की तरह मुस्कुरा कर दिखाओ, मुस्कुराओ। हाँ, जीते रहो और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। दुनिया को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, वो भी पूरी करो और वादा करो अब कभी नहीं रहोगे। वादा बाबा। अब मैं चलता हूं, वरना प्रोफेसर मुसीबत में पड़ जाएंगे। और हाँ, प्रोफेसर का शुक्रिया अदा करना मत भूलना। जी। ठीक है बेटा। क्यों गौरव, बाबा से भेंट हुई? जी, थैंक यू प्रोफेसर बर्नांडो। जीते रहो बेटा, दीर्घायु हो। इन्हें पता नहीं मैं क्या चीज हूं। इस बार ना ही मैं किसी को डराऊंगा और ना ही नुकसान पहुंचाऊंगा। इस बार पहले इन लोगों से दोस्ती करूंगा। ग्रेट फिमांचो, ये बोनापार्ट क्या कर रहा है? सब उच्चे से तंग कर रहा है। और लिंडा 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 लिंडा, बोनापार्ट बच्चों की बदतमीजियां जानबूझ के बर्दाश्त कर रहा है। तुम नहीं जानती इसमें भी उसकी कोई चाल है। डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे अपना काम करने दो। लिंडा ओ लिंडा, डोंट गेट अपसेट। तुम उदास हो जाती हो तो हम भी उदास हो जाते हैं, इसलिए चिंकारा। मुझे मत चलो, मुझे मत चलो। चुप, क्या कर रहे हो? चुप, क्या बदतमीजी है ये? क्यों इसको तंग कर रहे हो? इस तरह का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चलो भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। थैंक यू वेरी मच दोस्त, थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे बचा लिया। इट्स ओके, चलो आ जाओ। चलो। अच्छा दोस्त, ये बताओ तुम ये सब चुपचाप क्यों सह रहे थे? पता है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बहुत बड़ा पापी होता है। कुदरत की, कुदरत ने मेरे साथ पहले ही बहुत बड़ा अन्याय किया है मेरे दोस्त। मेरे हाइट की वजह से कोई मेरे पास आता नहीं, हर कोई मुझे परेशान करता है। भावना जोकर कह कह के मुझे चिढ़ाता है। दोस्त, वैसे भी मेरे जैसे लोग सर्कस में जोकर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं ना? नहीं नहीं दोस्त, ऐसा नहीं कहते। मैं बनूंगा तुम्हारा दोस्त, मुझसे दोस्ती करोगे? तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ। रियली? रियली। तो मिला हाथ। जोकर, तू आज फिर आ गया, वो भी नए कपड़े डालकर। आज बात हट, मैं जोकर नहीं हूँ, मैं जोकर नहीं हूँ, मैं जोकर नहीं हूँ। हाँ, हाँ, हाँ।
आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, भाई मुझे बोने का शहर में आतंक, जादुई बोने का बच्चों पर कहर, बच्चों पर कहर, जादुई बोना शहर में, जादुई बोना शहर में, आज की ताजा खबर, खतरनाक बोना और मासूम बच्चे, खतरनाक बोना और मासूम बच्चे। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। ताज़ा खबरों के अनुसार अब तक करीब 300 बच्चे बौने का शिकार बन चुके हैं। किसी की टांग टूट गई है, किसी को पैरालिसिस हो गया है और कोई हवा में गायब है। उस भोले भाले दिखने वाले बौने ने अब तक कई बच्चों की जानें ली हैं। वो पहले तो उनसे दोस्ती करता है और फिर उन्हें नुकसान पहुँचाता है। अस्पताल घायल बच्चों से भर गए हैं। प्रशासन ने घोषणा की है कि उस बौने का पता देने वाले को 10 लाख रुपये इनाम राशि दी जाएगी। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार। ओके मम्मी, मैं जा रहा हूँ। राहुल, वेयर आर यू गोइंग? उस बोने को पकड़ने, मुझे भी 10 लाख रुपए चाहिए। शट अप, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चुपचाप घर में बैठ। ओ कम ऑन मम्मी, कहाँ वो 2.5 फुट का बोना और कहाँ मैं, देखो मेरी बॉडी। ए चुप पे, दारा सिंह के भतीजे, चुपचाप घर में बैठ। बड़ा आया उसको पकड़ने वाला। पापा मम्मी को समझाइए ना। तुम्हारी मम्मी एकदम ठीक कर रही है राहुल बेटे। देखो वो जादुई बौना है, तभी तो उसने शहर में आतंक मचा रखा है। तुम अगर बाहर गए और तुम्हें कोई नुकसान हो गया तो है? जब तक वो बौना पकड़ा नहीं जाता, यू नॉट गोइंग आउट ऑफ दिस हाउस, दैट इज फाइनल, समझे? अरे ये गौरव कहाँ है? शांति गया होगा कहीं आवारा गर्दी करने। Shut up! 3 दिन से उस बोने ने शहर में आतंक मचा रखा है। 300 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में हैं। किसी की टांग टूटी हुई है, किसी को पैरालिसिस हो गया है। और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे। सर हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अगर आपके पास कंप्लेंट नहीं आएगी तो क्या आप उस बोने को गिरफ्तार नहीं करेंगे? सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। शट अप! मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए। अरे बोना भी कोई बकरी का बच्चा है कि दौड़े और पकड़ लिया। पर अगर नहीं पकड़ेंगे सर तो गए नौकरी से। यही तो प्रॉब्लम है बारिक से, पुलिस की नौकरी में यही तो प्रॉब्लम है। इधर कुआं है उधर खाई है। ऑफिसर नाराज तो नौकरी गई, क्रिमिनल नाराज तो जान गई, बीवी नाराज तो चाकरी गई। बॉस अब छोड़िए सर, पहले ये बताइए कि बोने का क्या करना है। बोना? कौन सा बोना? हे भगवान! हैं? ये आकाशवाणी है। ताजा खबरों के अनुसार अब तक करीब 300 बच्चे बौने का शिकार बन चुके हैं। किसी की टांग टूट गई है, किसी को पैरालिसिस हो गया है और कोई हवा में गायब है। ये तो बहुत डर लग रहा है। अगर उस बौने ने मुझे मार दिया तो? सचमुच बहुत डरावना है वो बौना। पता है मैंने आज पेपर में खबर पढ़ी कि उस बौने ने एक बच्चे को देखा और वो बच्चा पैरालाइज हो गया। पर उसे हम बच्चों से क्या दुश्मनी है? मुझे लगता है वो बच्चों के साथ ऐसा करके उनकी बलि देता होगा। अच्छा हुआ जो हमारी स्कूल की छुट्टी हो गई, कम से कम घर के कमरे में दुबक कर तो बैठ सकते हैं। स्कूल आने जाने में तो कितना खतरा है। कहीं ये वो बोना तो नहीं जिसने मुझसे दोस्ती की थी?
अगर वो इतना ताकतवर होता तो बच्चों से मार क्यों खा रहा था? वो नहीं हो सकता। पर अगर वो नहीं है तो फिर है कौन? मैं तो सीधा साधा बौना हूँ, फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ और कभी कभार सीरियल भी कर लेता हूँ। लेकिन तू है तो बौना, और हमें आदेश मिला है कि बौना को गिरफ्तार करें। लेकिन हुजूर, वो तो खतरनाक बौना है, जादुई ताकत वाला। हम वो कुछ नहीं जानते, हमारे लिए सारे बौने एक जैसे हैं। बारिक सिंह, इसे लॉकअप में बंद करो। हुजूर, मेरी बात तो सुनिए। शट अप, यू शट अप। हैं, कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला? तेरा बेड़ा गर्व हो, तुझे कीड़े पड़े, तू मरे। तूने मेरे पति को पकड़ा, वहाँ शूटिंग से फोन के ऊपर फोन आ रहा है, और तू मेरे पति को छोड़ता नहीं। चल। कौन है शैतान की नानी? ए, मैं तुझे शैतान की नानी दिख रही हूँ। अच्छी सुनता हो, ये मुझे शैतान की नानी बोल रहा है। बारिक सिंह, मुझे बचाओ। अरे अरे बारिक सिंह, मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा, निकाल दूंगा तुझे। उन्हें क्या सस्पेंड करवाएगा, मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगी। छोड़ मेरे पति को, छोड़। आंटी जी शांत हो जाइए, आपको मेरी बीवी बच्चों की कसम, आपको मेरी बीवी बच्चों की कसम। अरे मेरे पति को छोड़। हाँ छोड़ दिया, छोड़ दिया, ले जाइए, जा भैया, ले जा, हाँ जा भैया। औरत थी आफत की पुड़िया, हाँ पुड़िया थी या गुड़िया, गुड़िया थी या पुड़िया, क्या थी ये, पुड़िया गुड़िया। सोने की तैयारी हो रही है गौरव जी? मुझसे बात नहीं करोगे गौरव? मुझे नींद आ रही है गौरव। ए बेटे, अपने चाचा से अभी तक नाराज है तू? और नाराज भी क्यों नहीं होगा, गलती भी तो मेरी ही है, मैंने ही बेकार में तुझे डांट दिया। पर क्या करूं बेटे, मैं भी तो इंसान ही हूं ना, कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। तुझे पता नहीं है बेटे, मनाली से लेकर यहां तक तेरी चाची की काई काई ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। वो तो तेरी चाची का ही फ्रस्ट्रेशन था बेटे, जो तुझ पर निकल गया। तुझे पता है बेटे, मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, बोल। अच्छा एक बात बता, अगर भाई साहब ने तुझे डांटा होता तो भी क्या तू इतना ही नाराज होता? आई एम सॉरी बेटे। आई एम सॉरी चाचा जी, मुझे आपसे इतना नाराज नहीं होना चाहिए था। बहुत हो गई आपकी चौली, आज मैं जूनियर जी का पता लगा कर ही दम लूंगा। Shh!
आखिर ये जूनियर जी छुपा कहाँ है? तो वही है जिसने मुझसे दोस्ती की थी। कर रहा है बेवकूफ, तुझे पता नहीं तुझे श्राप मिला है कि तू सीधा किसी जादुई शक्ति पर अटैक नहीं कर सकता। इसे मारने के लिए तुझे किसी दूसरे की बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझे? समझता ही नहीं है। ओके ओके, एक्चुअली मैं एक्साइटमेंट पे भूल ही गया था। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय। हाँ, अब मुझे देखना है कि किसके बॉडी के अंदर घुसना है और इसके कौन कौन से दोस्त है। माउंटी इसका करीबी दोस्त है। मुझे माउंटी के बॉडी में जाना पड़ेगा। का सबसे अच्छा दोस्त और मेरा हथियार। जूनियर जी, तेरे तो अब आखिरी दिन आ गए। Thank you.
गुड मॉर्निंग ग्रेट फ्यूमांचो। अब तुम्हारा आधा मिशन पूरा हो गया है। हमें यह बताओ ग्रहण का टुकड़ा किस बच्चे को मिला है? उसका भी पता चल जाएगा ग्रेट फ्यूमांचो। अरे वो कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब हमसे और इंतजार नहीं हो सकता। हम कब से जूनियर जी की गर्दन मरोड़ने के लिए तैयार हैं। वो बच्चा बेवकूफ, इतनी बड़ी गलती मत कर। ये बहुत अच्छा मौका है जूनियर जी को मारकर वो ताकत तू हथिया ले। जरा सोच, अगर ग्रहणों के उस टुकड़े की ताकत तुझे मिल गई तो तू फेमांचो से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तब फेमांचो और उसकी शक्तियाँ तेरी गुलाम बन जाएंगी। तू दुनिया पर राज करेगा, राज। लेकिन ये तो फेमांचो के साथ गद्दारी होगी। तो उसमें बुराई क्या है? फेमांचो तुम जैसी शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया पर राज करने के सपने देखता है। अगर तू दुनिया का राजा बन जाए तो तू सबसे अपने अपमान का बदला ले सकता है। तुझे याद नहीं फेमांचो ने कैसे तुझे अपना गुलाम बनाया था? उससे बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा, समझे? बाय बाय। बताओ बोनापार्ट, वो जूनियर जी कौन है? वो क्या है ग्रेट फ्यूमांचो, थोड़ा सब्र करें, आज शाम तक उसे आपके कदमों में डाल दूंगा। हम शाम का इंतजार करेंगे। चिंकारा। मोंटी, जल्दी आ जाओ, नाश्ता तैयार है। आया माँ। मुझे भी भूख लगी है, नाश्ता कर ही लेना चाहिए। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। मोंटी आ गया तू, चल नाश्ता कर, मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। चल कहीं घूम कर आते हैं, वैसे भी स्कूल की छुट्टियों के वजह से बोर हो गया हूँ। अरे मोंटी, तुझे पता नहीं आजकल शहर में बोने का आतंक मचा हुआ है, कहीं उसने हमें पकड़ लिया तो? अरे मैं हूँ ना, डरता क्यों है? उस बोने का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर वो बोना अपने मिशन में कामयाब हो गया तो ग्रेट फेमांचो हम सबको मार डालेगा। मुझे एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आइडिया ये है, क्यों ना बोने को चलाके से मार दिया जाए। पता नहीं क्या होगा इसे। गौरव, चलो मैं कैसे चलता वरना मुझे काट देगा। चलो बुझो। क्या गौरव का मोंटी उर्फ बोनापार्ट के साथ जाना ठीक है? क्या बोनापार्ट जूनियर जी से ग्रहणों का टुकड़ा हासिल कर पाएगा? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।